आज मेरे किचन में बन रही है व्रत के लिए एक स्पेशल रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही इजीली बन जाती है। और उसके साथ ही साथ बना रहे हैं हम एक डिप, बहुत ही क्रंची सी डिप बनकर तैयार होगी, व्रत करने का मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक जार और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भर कर मूँगफली ले ली है और इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्ची। हरी मिर्च अगर आप तीखा जो है कम खाते हैं तो आप एक ही हरी मिर्ची का यूज़ करें। उसके साथ हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने पीस लिया है अपने मिक्सचर को अच्छे से और इसको रख देते हैं। तो अब ले लेती हूँ मैं दही। मैंने ये 1 कप दही ले लिया है, ठंडा दही लिया है। और इस दही में हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सेंधा नमक, नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। और उसके साथ हम इसमें थोड़े से तीखेपन के लिए ले लेंगे काली मिर्ची। काली मिर्ची का यूज़ करेंगे हम, पाउडर ले लिया है मैंने थोड़ा सा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम अपना मिलाएंगे जो हमने बनाया था, वाला जो हमने मिक्सचर बनाया था उसके 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये डिप इतनी टेस्टी लगती है ना, और ये ठंडी ही अच्छी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है। क्रंची सा जब पीनट्स मुंह में आता है ना तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खाकर मज़ा आ जाता है। तो देखिए डिप, तो ये देखिए इतना काम तो हो गया है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लगाऊंगी हल्का सा तड़का लगाऊंगी, तब इसका मज़ा कुछ और ही आएगा। तो पहले ले लिया है मैंने घी, 1/2 चम्मच घी लिया है और इसमें डाल लिया है मैंने जीरा। और जीरे के साथ साथ इसको अब गैस को बंद कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, आप चाहें तो करी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डाल देते हैं अपनी डिप में। तो ये लीजिए, तैयार हो गई है हमारी बढ़िया सी डिप, खाने में ही मज़ा आ जाएगा। तो अब अपनी अगली तैयारी करते हैं। तो मैंने ये साबूदाना भिगोया था, मैंने ये 1 कप साबूदाना भिगोया। देखिए मेरा साबूदाना कितना खिला खिला है, आपका भी ऐसा ही भीगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप 1 कप साबूदाना लेते हैं तो उसमें 3/4 कप पानी डालकर इसको भिगोएं, ठीक है। कभी भी पूरा कवर नहीं होना चाहिए साबूदाना, थोड़ा साबूदाने से कम ही रहना चाहिए पानी, तभी वो अच्छे से इस तरीके से देखिए फूलेगा, ऐसे खिला खिला बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए ले लेते हैं हम अब आलू। उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, देखिए 4 आलू ले लिए हैं। तो आलू को अब हम कस लेते हैं। ये देखिए सारे आलू मैंने कस लिए हैं अच्छे से, या फिर आप मैश भी कर सकते हैं हाथों से, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये देखिए आलू को मैंने कस लिया है। अब इस आलू में हम डालते हैं साबूदाना। साबूदाना डालने से हमारी जो टिक्कियाँ बनती हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं। तो ये देखिए मैंने भर कर 3-4 चम्मच इसमें हमने साबूदाना डाल लिया है, देखिए कितना खिला खिला हुआ है ना। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से भिगोएंगे तो आपका साबूदाना हमेशा खिला खिला रहेगा। अगर आप उसकी खिचड़ी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो वो भी खिली खिली ही बनेगी आपकी। इसके साथ में अब डाल देते हैं हमारा जो बचा हुआ था, जो हमने पीनट्स को पीसा था, पीनट्स वाला मसाला हमारा, वो भी सारा मैंने इसमें डाल दिया है। ऊपर से डाल देते हैं हम हरा धनिया खूब सारा, और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाली है मैंने। और इसमें हम डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें नमक, सेंधा नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें काली मिर्ची टेस्ट के लिए। तो ये देखिए काली मिर्ची डाल दी है मैंने, और अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और इसमें खट्टेपन के लिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस, उससे हमारी थोड़ी खटास भी आ जाएगी इसमें, बहुत ही टेस्टी सी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। अब इस सारे सामान को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए हाथों की सहायता से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब धीरे धीरे इसकी लेंगे और इस तरीके से टिक्की बनाते चले जाएंगे। अगर आपके हाथों में ये मिक्सचर चिपके तो आप हाथों में ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, देखिए छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपनी सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब इन टिक्कियों पर कोटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ले लिया है, मैंने ये सावक के चावल यूज़ किए हैं, इनको ले लेंगे और हम अपनी टिक्कियों के ऊपर से इसको कवर कर देंगे ताकि वो और भी ज़्यादा हमारी क्रिस्पी बने।
बहुत टेस्टी बने। अगर आप इन चावलों का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास चिप्स हों, घर में सभी के चिप्स होते हैं, उन चिप्स को क्रश कर लीजिए और उसकी भी आप इन पर कोटिंग कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टिक्की हमारी बनकर तैयार होती हैं। तो ये देखिए कर ली है मैंने सारी टिक्की तैयार। अब हम करते हैं गरम कर लेते हैं ऑयल को फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए तेल गरम हो गया है अच्छे से और अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी सारी टिक्कियाँ और टिक्कियों को जब हम सेकेंगे तो हमने ना पहले तो हमारा मीडियम फ्लेम है लो टू मीडियम और उसके बाद हम लो फ्लेम करके इसको अच्छे से सेकेंगे ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएं। तो ये देखिए एक साइड से सिक चुकी हैं, इनको पलट देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो ये देखिए बातों बातों में ही टिक्की हमारी तैयार हो गई हैं, दोनों साइड से अच्छे से सिक गई हैं, क्रिस्पी हो गई हैं। तो अब इनको हम निकालते हैं। क्या करेंगे देखिए, जब टिक्की निकालेंगे ना तो ऐसे साइड में थोड़ा रोक लेंगे ताकि इसका सारा घी निकल जाए और ये बिल्कुल सूखी निकले। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं और इसके बाद जितनी बची हुई हैं उन सारी टिक्कियों को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार है हमारी व्रत स्पेशल टिक्की और साथ में हमारी बढ़िया सी डिप। ये डिप को आप ठंडा ठंडा ही यूज़ कीजिएगा, गरम टिक्की के साथ ठंडी डिप बहुत टेस्टी लगेगी। तो आप भी बनाइए खाइए और अपने व्रत का मज़ा लीजिए, माता का भोग लगाइए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।